फ्रेंड्स, मेरे इस जानकारी भरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा ये मकसद है कि आप लोग को उस चीज़ की जानकारी दूं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़ धर्मशाला की। लोग यहाँ पे आते हैं पीजीआई हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए, पर जानकारी नहीं मिलने के कारण लोग इधर उधर भटकते हैं, रोड पे सोते हैं। यहाँ पे पर डे हजारों लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, पर जानकारी नहीं है उसके कारण उसको नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे कहाँ पे धर्मशाला है। तो मेरे इस वीडियो में बने रहे बिल्कुल लास्ट तक, और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुद्ध धर्मशाला दिखाने वाली हूँ। तो इसका ये पार्किंग एरिया है, ये देखिए कितना बड़ा है। अब चलिए हम लोग अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसा है, उसका अंदर का रूम क्या है, चार्ज क्या है। तो ये सुबह के 5:30 ओपन हो जाती है और रात का 11 o'clock तक खुला रहता है, और मात्र 200 रुपये में यहाँ पर रूम बुक होता है। देखिए छोटा सा पार्क भी है बच्चों के लिए, बहुत साफ सुथरा धर्मशाला है। तो यहाँ पे आप अपना रूम बुक करा सकते हैं मात्र 200 रुपये में। और अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसकी चार्ज अलग है, नॉन एसी रूम का चार्ज अलग है। अगर डबल बेड है तो उसका चार्ज अलग है, सिंगल बेड का चार्ज अलग है। बस इसमें आपको पर पर्सन आईडी प्रूफ लगेगा, बस उसको लेके आना है और आप रूम आसानी से बुक करा सकते हैं। बहुत बड़ा है ये धर्मशाला, करीब इसमें 300 कमरे हैं, और आप जब भी आइए तो आराम से रूम मिल जाती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। ये देखिए मैं बाहर से दिखा रही हूँ कितना बड़ा है ये। अब चलिए हम लोग इसका कैंटीन देखते हैं कैसा है इसका कैंटीन। खास करके पेशेंट के लिए तो ये बेस्ट है धर्मशाला, यहाँ पे हर तरह का खाना मिल जाता है पेशेंट के हिसाब से, जो कि होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे पेशेंट के हिसाब से भी खाना बनता है, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा और रीजनेबल प्राइस में। अब देखिए मैं दूसरा धर्मशाला दिखा रही हूँ, ये सत्यनारायण मंदिर है। अब इसके अंदर हम लोग जाके देखेंगे कैसा है ये। ये भी 2 फ्लोर का है, काफ़ी बड़ा है, देखिए कितना बड़ा हॉल है। यहाँ पे बहुत तरह का फंक्शन होता है, मैरिज या किसी तरह का पूजा वगैरह भी यहाँ पे होती है दिन का फंक्शन, और इसमें फोल्डिंग वगैरह लगाया जाता है। अगर बैचलर कोई रहना चाहते हैं तो रात स्टे कर सकते हैं, और इसमें लॉकर भी मिलती है, लॉकर में अपना सामान रख दीजिए, बिल्कुल सेफ रहता है, और रात भर आप रह के सुबह जा सकते हैं। और अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम भी अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पर प्रायः। देखिए कितना बड़ा है, मात्र 200 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पर भी। यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों है यहाँ पर भी, उसकी भी प्राइस अलग अलग होगी, एसी का अलग है और नॉन एसी का अलग है चार्ज। और टीवी भी है लगी हुई है, देखिए बाथरूम वगैरह भी बहुत क्लीन रहता है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए पीजीआई अक्सर आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। आप मेन चंडीगढ़ में तो आपको रूम नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत ही महंगा है यहाँ पे हर चीज़, पर आपको ये धर्मशाला आप रह सकते हैं धर्मशाला में, बिल्कुल समझिए तो फ्री रह रहे हैं आप। ये एक लॉकर भी मिलता है साथ में। लोग चंडीगढ़ के आसपास रूम लेके रह सकते हैं, पर वहाँ पे आपको पूरे महीने के पैसे पे करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे आप जितना दिन रहना चाहते हैं वहाँ तक उतना दिन रह के पे कर सकते हैं। ये देख तीसरा देखिए लक्ष्मी नारायण धर्मशाला, जो कि 20C में है, ये भी बहुत बड़ा है अंदर से। ये देखिए इसमें भी एसी और नॉन एसी दोनों फैसिलिटी है। और भी किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए मैं ये चौथा धर्मशाला दिखा रही हूँ जो कि गवर्नमेंट का है, ये भी बहुत बड़ा है, इसमें भी एसी और नॉन एसी दोनों है, इसमें भी बहुत सस्ता रूम आपको मिल जाएगा, सैनी भवन।
तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, और किसी तरह की जानकारी लेना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।